आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि अगर आप लेबर कार्ड बनवाना चाहते हैं, यानी श्रम कार्ड होता है वो बनवाना चाहते हैं, मैं ई श्रम कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपका पहले लेबर कार्ड चलता था, अगर आप वो बनाना चाहते हैं, क्योंकि सारी सर्विसेज का लाभ अगर ई श्रम कार्ड है तभी आपको मिल सकता है। ई श्रम पे तो अभी सर्विसेज पता नहीं क्या क्या मिलेगी, मगर लेबर कार्ड पे जरूर मिलती है। तो उसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे आवेदन करेंगे और क्यों ज़रूरी होता है लेबर कार्ड बनवाना, क्योंकि लेबर कार्ड से सारी सर्विसेज होती हैं जो आपको, अगर मान लो अगर बच्चे आपके पढ़ रहे हैं तो उस सर्विस का लाभ उन्हें अच्छा मिलेगा। तो लेकिन रजिस्टर करने के लिए कि आपको किसी न किसी सीएससी का जरूर सहारा लेना पड़ेगा। तो आप सीएससी पर जैसे ही देखिए, मैं यहाँ पर मेरी ऑलरेडी सीएससी लॉगिन है, जैसे ही मैंने यहाँ पर सर्च बॉक्स में यूपीवी सर्च किया तो यहाँ पर लेबर कंटिन्यूएशन वाली वेबसाइट आ जाएगी, आपको इसी वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको लेबर कार्ड की वेबसाइट पर ओपन होकर आ जाएगी। देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मगर डायरेक्ट थोड़ा दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा, आप सीएससी के माध्यम से ही करें क्योंकि तो अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि आपको श्रमिक का मोबाइल नंबर जो भी होता है जिस पे ओटीपी जाएगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है, और यहाँ पर ओटीपी वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। तो देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर उनका फिल करके ओटीपी वाली बटन पर हमें क्लिक करनी है, देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए ओटीपी भेज दिया गया, हमारे यहाँ पर ओटीपी फिल भी कर दिया। अब यहाँ पर प्रमाणित करें इस वाली बटन पर आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक कर देंगे तो देखिए आपके सामने यहाँ पर लिखा है दी गई जानकारी को अपने आधार कार्ड के अनुसार ही भरें। देखिए जो आपका आधार कार्ड है वैसा सेम डेटा आपको फिल करना है, आप जरा भी सी मिसप्रिंट करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, तो इसलिए आधार कार्ड के हिसाब से ही भरें, जैसी स्पेलिंग लिखी है वैसा ही आपको फिल करना है। तो देखिए मैं ये जानकारी सारी फिल कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर श्रमिक का नाम अंग्रेजी में वो भी आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए, और यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। श्रमिक का नाम हिंदी में, जैसे इंग्लिश में सिलेक्ट करेंगे तो आपको हिंदी में कन्वर्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। पिताजी का नाम अंग्रेजी में बन देना और ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट, जब यहाँ पर बटन प्रेस करेंगे तो आपको हिंदी में लिख जाएगा। लिंक क्या, डेट ऑफ बर्थ क्या, आयु क्या, वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इतनी जानकारी हम फिल करके आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारी जानकारी फिल कर ली, अब हमें करना क्या, इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेनी है। देखिए यहाँ पे आधार नंबर आपका शो होने लगेगा, और यहाँ पे आपको केवाईसी का ऑप्शन है, केवाईसी करना है, और यहाँ पर सबसे आधार को आपको सत्यापित करा देना है। तो यहाँ पर आधार सत्यापित वाली बटन पर आपको क्लिक कर देनी है। तो देखिए आधार कार्ड से सत्यापित हो चुका, अब यहाँ करना क्या, इनका माता जी का नाम डाल लेना है हिंदी इंग्लिश में, अगर राशन नंबर है तो राशन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देखिए यहाँ पर सारे काम लिखे हुए हैं, आप उन सेलेक्ट कर ले वो कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए विवाह की स्थिति, विवाहित हैं अविवाहित हैं वो अपने यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ईमेल आईडी डालना चाहें डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर आईडी फिल है। अगर यहाँ पर ये देखिए नियोजक का पता जो भी है वो डाल देना है, मोबाइल नंबर आप दूसरा है तो डाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या। और यहाँ पर देखिए ये जानकारी हम आपको पहले यहाँ से इतनी जानकारी फिल करके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर माता जी का नाम यहाँ का है कि वो डाल दे रहे हैं। देखिए मैंने ऊपर की जानकारी सारी फिल कर ली, अब यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, आपको तहसील क्या लगती है वो आप यहाँ से अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी तहसील है यहाँ से आराम से आप जिस एरिया की है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए मैंने अपनी तहसील सेलेक्ट कर ली है, अब यहाँ पर नगर निगाह है या विकासखंड है, तो देखिए मेरे विकासखंड है तो मैं यहाँ पर विकासखंड वाली बटन पर क्लिक कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर अपना जो भी विकासखंड है वो यहाँ से देखिए अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपका गांव कौन सा लगता है वो आपको यहाँ से अपना गांव सेलेक्ट कर लेना है। देखिए मैंने गांव सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे पिन नंबर आपका क्या लगता है वो आपको यहाँ से फिल कर देना है। पोस्ट ऑफिस क्या है आपकी, जो पिन नंबर डालेंगे तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको करना क्या यहाँ से अपनी पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना। तो देखिए यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन आने लगे, तो देखिए मेरी जो भी है मैंने अपनी सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे बढ़ के, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका थाना क्या लगता है वो अपना सेलेक्ट कर लेना है। गली मोहल्ला क्या आपका है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, आपके गाँव का नाम डाल लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आवेदक का स्थायी पता और जो परमानेंट एड्रेस और जो भी आपका, अगर आप कहीं दूसरी जगह रहते हैं और आपका पता आप जो आधार कार्ड पे दिया है वो पता कहीं और का है तो अलग अलग है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपका दोनों सेम है तो आपको इस चेक बॉक्स वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो सारी जानकारी वही सेम फिल हो जाएगी नीचे जो आपकी ऊपर थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद नीचे आने के बाद देखिए आपको यहाँ पर गत वर्ष 12 दिनों में कार्य करने के दिनों की संख्या, देखिए कम से कम आपको 90 लिखनी है। तो देखिए मैं 115 दिन काम किया है, यह श्रमिक मनरेगा में कार्यरत है। तो देखिए अगर आप नरेगा में काम करते हैं तो इसे टिक बॉक्स कर देना, अगर नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर छोड़ देना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर आएंगे तो एक वर्ष के लिए देखिए हम रिन्यूअल कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक वर्ष पर टिक कर देनी है, क्या नॉमिनी श्रम विभाग में कार्यरत है। अब यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल देनी होगी, देखिए अगर श्रम विभाग में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं इनके पास श्रमिक कार्ड है तो यहाँ पर देखिए क्लिक कर देनी है, अगर था क्लिक नहीं करनी होती, और अपनी नॉमिनी की सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। तो देखिए यहाँ पर जानकारी फिल कर दे रहे हैं, देखिए मैंने यहाँ पर सारी बैंक की जो जानकारी है वो मैंने यहाँ से सारी फिल कर ली है। यहाँ पर बचत खाता आपका चालू है वो यहाँ से सेलेक्ट कर देना, अब यहाँ से नीचे बढ़ के आएंगे अब यहाँ पर देखिए आपको
श्रमिक का फोटो लगाना है जेपीजी में, और यहाँ पर श्रमिक का आधार कार्ड लगाना है, उस पर सेल्फ अटैच होना चाहिए, खुद के साइन होना चाहिए, और यहाँ पर श्रमिक की बैंक की पासबुक लगा देनी है, वो भी सेल्फ अटैच होना चाहिए, और एक सुपरण पत्र घोषणा पत्र होता है जो यहाँ से जो लिखा है डाउनलोड करें, आपको यहाँ से अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से सीधा डाउनलोड कर लेंगे, और आपको वो जानकारी फिल कर देनी है, और यहाँ पर वो भी आपको अपलोड कर देना है, जेपीजी में ही रखना है। सुप्रमाण पत्र यानी कि जो घोषणा पत्र है उस पर साइन होना चाहिए खुद के, और यहाँ पर नियोजन सर्टिफिकेट, अगर पास नियोजन सर्टिफिकेट है तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर आप सदस्यों का नाम जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर सारे सदस्य एक एक करके जोड़ सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर जितनी जानकारी सारी फिल कर ले रहे हैं, अगर आपको यहाँ पर श्रमिक के परिवार का सदस्य का विवरण अगर आप देना चाहते हैं, अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो आपको उनका डिटेल देना चाहते हैं तो यहाँ से आप उन्हें जोड़ सकते हैं, अगर नहीं जोड़ना चाहते हैं आप सिंगल हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं, और यहाँ पर सारी चेक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर पंजीयन करने वाली बटन पर आपको क्लिक कर देनी है। तो देखिए मैं यहाँ पर जो भी है पीडीएफ फाइल है, सॉरी जेपीजी फाइल है, मैं यहाँ पर सारी लगा दे रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पर सारी फाइलें सेलेक्ट कर ली है, अब हमें यहाँ पर करना क्या, इन सारी चेक बॉक्सों पर क्लिक कर देनी है। अगर देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको क्या बोलते हैं आपको यहाँ पर अपने बच्चों का विवरण देना है तो दे सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा कोई नहीं है तो मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, इसलिए अगर आपको देना है तो यहाँ पर बारी बारी करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सारी जानकारी फिल हो जाएगी, यहाँ पर नीचे लिखा है पंजीयन करें वाली बटन, आपको एक बटन देखने को मिल जाएगी, आपको इसी वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। देखिए जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपको वापस इसी पेज पर आ जाना है, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर लिखा है पंजीयन की स्थिति, देखिए आपको पंजीयन की स्थिति चेक करनी है। देखिए यहाँ पर हम पंजीयन की स्थिति चेक करके दिखा रहा हूँ इनकी, जैसे देखिए पंजीयन स्थिति पर क्लिक करें तो यहाँ पर श्रमिक का पंजीयन संख्या मांगा जाएगा और आवेदन, देखिए आपके पास नहीं है, आपको मोबाइल नंबर पता है मगर आपका पंजीयन नंबर नहीं पता, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए पंजीयन रिपोर्ट, आपको पंजीयन रिपोर्ट वाली बटन पर क्लिक करनी है, जैसे पंजीयन रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर नगर निकाय लगता है, विकासखंड लगता है, देखो मेरा विकासखंड लगता है, मैं विकासखंड यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहे हैं, सभी नहीं जो भी आपका जैसे किस मंडल से हैं बिलोंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मंडल सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर जनपद ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, तो मैं देखिए यहाँ से अपना जनपद सेलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो भी ब्लॉक है वो आपको यहाँ पे विकासखंड का नाम लिख के आ जाएगा, आप यहाँ पर देखिए इसे अनटिक ही रहने दें। उसके बाद ये सत्यापित करना चाहते हैं, निरस्त देखना चाहते हैं, लंबित, यानी देखिए मैंने कल किया तो ये 100% लंबित ही होगा, यानी कि अभी पास नहीं हुआगा, तो यहाँ पर देखिए लंबित वाली बटन पर मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर देखिए आपको सभी रहने देना। अब देखिए मैं आपको कल की तारीख के लिए दिखा रहा हूँ, देखिए कल, तो देखिए मेरी कल की तारीख मैंने यहाँ पर देखिए अप्लाई किया तो कल की तारीख डाल दी, और यहाँ पर मैं आज की तारीख डाल दे रहा हूँ जो भी आज की तारीख है, तो देखिए मैंने आज की तारीख फिल कर दी। अब यहाँ पे हमें रिपोर्ट वाली बटन पर क्लिक कर देनी है, जैसे देखिए रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमें इनका देखिए अभी लंबित ही है, यानी कि अभी पास नहीं हुआ, दो एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा, जैसे ही पास हो जाएगा तो यहाँ पे पास में आना लगेगा, तो यहाँ पे देखिए जो भी डिटेल है वो यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी इनका मैंने पैसा पेमेंट नहीं किया है, तो देखिए यहाँ पे पंजीकरण नंबर जनरेट भी हो चुका है और यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगर देखिए आपको पेमेंट करने के लिए करना क्या पड़ेगा, वापस आपको इसी पेज पर आ जाना, देखिए आपको यहाँ पे आ जाना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा है शुल्क का भुगतान करें, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको यहाँ से लिख लेना है, क्योंकि आगे चल के ये आपका काम देगा। तो ये आपको करना क्या, पेमेंट करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर देखिए शुल्क भुगतान वाली बटन पर आपको क्लिक करनी है, शुल्क भुगतान करने के लिए आपको वही नंबर जो हमें मैंने बताया वो आपको यहाँ पर फिल कर देना, और यहाँ पर देखिए सर्च एंड पेमेंट डेटा पर क्लिक करनी है, जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर इनका आवेदन नंबर लिखा आएगा, इनका नाम भी लिखा आ जाएगा, आपको करना क्या यहाँ पर पे फीस वाली बटन पर क्लिक करनी है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने, जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे सीएससी का पेमेंट गेटवे आ जाएगा, अब यहाँ पे करना क्या आपको यहाँ पे वाली बटन पे आपको क्लिक कर देनी है, देखिए आपको यहाँ पे देखिए सीएससी का 15 रुपया ट्रांजेक्शन चार्ज एक्स्ट्रा पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको पे वाली बटन पे क्लिक कर देनी है। तो यहाँ पे पासवर्ड डाल के यहाँ पे वैलिडेट कर देनी है, वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे आपको पिन नंबर आ जाएगा, जो आपको सीएससी वॉलेट पिन है वो आपको यहाँ पे डाल के यहाँ पे वाली बटन पे आप क्लिक कर देनी है, जैसे क्लिक कर देखिए यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, तो तब इंतजार करना है, देखिए ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा बैक पेज पे। तो देखिए यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल लिख के आ गया, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट आप अपना कैसे डाउनलोड करेंगे। देखिए सर्टिफिकेट डाउनलोड करने यहाँ पे पंजीयन की स्थिति है, आपको इसी वाली बटन पर क्लिक कर देनी है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर वही श्रमिक नंबर और जो आपका मोबाइल नंबर है, अब तो दोनों चीज़ आपको पता है, तो यहाँ पर डाल देना है, और यहाँ पर देखिए चेक स्टेटस वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे नंबर और ये सर्टिफिकेट नंबर जो अपना पंजीयन नंबर है डाल के यहाँ पर चेक स्टेटस वाली बटन पर क्लिक कर देनी है, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे दीदी नाम लिखे आ गया, अब यहाँ पर क्या है जनरेट सर्टिफिकेट वाली बटन पर आपको क्लिक कर देनी है, जैसे ही जनरेट सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर शो होने लगेगा, नाम क्या है वो भी देखने को मिल जाएगा, और देखिए यहाँ पर सारी जानकारी आप देख सकते हैं, आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, आराम से यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अगर ये इतनी जानकारी पसंद आई वीडियो में तो आपको वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।